कोरोना वायरस पिछले 1.5 साल से अधिक समय से दुनिया भर की एक गंभीर समस्या का कारण बना हुआ है। इस बीच हाल के अध्ययनों में सामने आया है कि नए वेरिएंट को स्वास्थ्य विशेषज्ञ और भी खतरनाक और संक्रामक मान रहे हैं। कई वेरिएंट पर किए गए अध्ययनों में ये भी पता चला है कि ये शरीर में बनी एंटीबॉडीज को आसानी से चकमा देकर लोगों को दोबारा संक्रमित कर सकते हैं। नए वेरिएंट को भारत में दूसरी लहर का कारण बने डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक और खतरनाक माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेक्निकल लीड मारिया वैन करखोव ने हाल ही में एक बयान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता जताते हुए इससे विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। WHO की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि समय के साथ डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण दुनिया के तमाम देशों में बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, ये वेरिएंट भी अब पहले से कहीं ज्यादा संक्रामक हो चुका है। WHO ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को दुनिया के लिए गंभीर चिंता का कारण मानते हुए इससे बचाव के उपायों को प्रयोग में लाते रहने की सलाह दी है। डेल्टा के अलावा कोरोना के कई अन्य वेरिएंट भी दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं। आइए इस बारे में आगे की वीडियो में विस्तार से जानते हैं। भारत के लिए स्थिति और हो सकती है चिंताजनक। एक ओर जहां दुनिया भर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बड़ी मुसीबतों का कारण बना हुआ है, वहीं विशेषज्ञ भारत के लिए स्थिति को और चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं। असल में भारत में आई दूसरी लहर के पीछे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को मुख्य कारण माना जा रहा है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि देश में डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेटेड रूप डेल्टा प्लस देखने को मिला है। डेल्टा प्लस को अपेक्षाकृत अधिक संक्रामक माना जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। तीसरी लहर का बन सकता है कारण। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में तीसरी लहर का कारण बन सकता है। सबसे पहले महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट का ये म्यूटेटेड स्वरूप कई प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं पैदा कर सकता है। भारत के अलावा दुनिया के 8 देशों UK, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, जापान, नेपाल, चीन और रूस में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की पुष्टि की है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।